खाली श्रेय ने किया सम्स, और कोई नहीं किया। आई हैड आस्क्ड यू ऑल टू डू सम नंबर 8 एंड सम नंबर 9, राइट? सितंबर 2020 पेपर का। मैम एक्चुअली हम एक बार में इतना सब कुछ कॉपी पेस्ट किया तो आई थिंक लास्ट का डेटा मिस हो गया, सो हम वापस से सेंड हाँ, करें। जस्ट सेंड, जहां पे स्टॉप हुआ है वहां से वापस भेजो। ओके और किसी ने नंबर 8 नहीं किया तो भेजो आंसर, जिसने भी किया है। चलो तब तक क्वेश्चन रीड करते हैं। अ लोन इज टू बी रीपेड बाय अ सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मेड एनुअली इन अरियर्स। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज $200 पर एनम एंड देयर आफ्टर इंस्टॉलमेंट्स इंक्रीज बाय $15 ईच ईयर। द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड फॉर 16 ईयर्स एंड आर कैलकुलेटेड यूजिंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। पार्ट वन है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ द लोन, तो उसमें तो हम लोग को सीधा खाली इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं श्रेय का आंसर। 185 A16। श्रेय, ये हम लोग जब ये क्रोकोडाइल साइंस देते हैं सिर्फ उसके पहले कोलोन देना होता है, आफ्टर दैट देर इज नो कोलोन, ठीक है? क्योंकि ओके वो मैम एंड हो जा रहा है। सो जस्ट बिफोर द क्रोकोडाइल साइंस, बिफोर द पीरियड का कंपोनेंट, गिव द कोलन। प्लस 15 IA, ये ए स्मॉल होना चाहिए क्योंकि एनुइटी है, अश्योरेंस नहीं है, ठीक है? मतलब ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू ऑल कीप ए को, आप लोग कैपिटल नहीं होने दे सकते हो कुछ भी हो जाए, बिकॉज जस्ट बाय द डिफरेंस ऑफ केस हम लोग का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, राइट? मैम, जो आप इसलिए कोलोन के बारे में बोल रहे थे मतलब कि 16 के बाद में कोलोन नहीं होगा, बस साइन होगा। हाँ, ओके मैम 16 के बाद नहीं होगा। एंड यहाँ पे इंक्रीजिंग एनविटी जो है उसमें एनविटी है तो इट विल बी अ स्मॉल ए नॉट अ कैपिटल ए, एंड सेम अगेन कोलोन का थिंग, ठीक है? एट द रेट 5% यूजिंग टेबल बुक पेज 57। ओके, वन वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है 16 × 2, ठीक है, परफेक्ट। अगेन बस ये 2 डेसिमल प्लेसेस, लास्ट क्लास बोला था कि कभी भी मॉनेटरी अमाउंट्स में आंसर छोड़ रहे हो तो जस्ट कीप इट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड नॉट मोर देन दैट। पार्ट 2, कैप पार्ट 2 क्या है? कैप कंस्ट्रक्ट अ लोन शेड्यूल दैट शोज द कैपिटल एंड इंटरेस्ट एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन एंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर ईच ऑफ द 5th एंड 6th इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है? तो कैपिटल आउटस्टैंडिंग आफ्टर 4 पेमेंट्स टी इक्वल टू 4 इज 245 A12 प्लस 15 IA, सेम मिस्टेक कंटिन्यू हो रहा है। एट द रेट 5% यूजिंग टेबल बुक पेज 57। इंटरेस्ट एलिमेंट इन 5th इंस्टॉलमेंट इतना होगा 2 डेसिमल प्लेसेस, कैपिटल एलिमेंट इतना होगा, ठीक है? लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर 5 पेमेंट्स इज 286। इंटरेस्ट एलिमेंट इन द 6th इंस्टॉलमेंट इज 142.33, ठीक है, फाइन। इसमें हमने सारे पार्ट आंसर किए हैं। यस मैम एक्चुअली हमें टेबल बनाए, लेकिन टेबल को अगर कॉपी पेस्ट करेगा ना मैम तो वो बहुत मेसी हो जाएगा। मतलब बट टेबल बनाया है ना, दैट्स यस द मैम आई मेन कैन थिंग। शो इट टू यू मैम। क्योंकि नहीं, इट इज ओके, क्योंकि टेबल का बीच का वैल्यूज तो देख लिया, लेकिन टेबल अगर कोई भी है जो 8 पार्ट 2 में टेबल नहीं बनाया है तो उसको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस टू कंस्ट्रक्ट द लोन शेड्यूल, राइट? तो कंस्ट्रक्ट द लोन शेड्यूल मतलब हम लोग को टेबल फॉर्म में दिखाना पड़ेगा सारा। ये चीज हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्टिंग लोन शेड्यूल में यू कैन नॉट जस्ट शो द वर्किंग्स, यू हैव टू शो द फुल टेबल के फॉर्म में।
ठीक है, बाकी सब इज फाइन। खाली थ्री थ्री थिंग्स मैंने नोट कराया। एक है कि हमेशा मॉनेटरी अमाउंट्स का फाइनल आंसर ओनली टू यूनिट्स ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। वन इज कि आपने सब जगह इंक्रीजिंग एनुइटी में इंक्रीजिंग अश्योरेंस मतलब कैपिटल ए यूज किया है। एंड थर्ड इज कि जब हम लोग पीरियड वाला क्रोकोडाइल साइंस देते हैं तो उसके सिर्फ पहले होता है कोलोन, उसके बाद कोलोन मत देना। ठीक है, ठीक है। कुणाल का देखते हैं। इंटरेस्ट रेट इज 5%, लोन इज 185, A16। यहाँ पे कोलोन दिया ही नहीं है और एक कोलोन शे से लेके आप अपने में डाल दो सब जगह। एंड अगेन वो दोनों कैपिटल कर दिया आपने, दोनों स्मॉल कर दिया आपने, दोनों कोई पैक्ट करके रखे कि हम लोग को ऑपोजिट ऑपोजिट मिस्टेक बनाने हैं। मैम दोनों को नहीं मालूम था, हम दोनों ये किए। रियली मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो अब याद रखना, सब लोग याद रखना कि हमेशा एनविटी में एन वाला पोर्शन आएगा, उसके पहले कोलोन आएगा, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा कैपिटल आई होता है, ऑलवेज कैपिटल आई। एंड एनविटी है तो स्मॉल ए, अश्योरेंस है तो कैपिटल ए। ये चीज तो सबको पता है, ये सब सी एम एन कर रहे हो यहाँ पे। 15180, ठीक है। यूनिट नहीं दिया कुणाल आपने, देखो यहाँ पे भी उसने यूनिट दिया था लेकिन डेसिमल प्लेसेस ज्यादा रखा था। आपने डेसिमल प्लेसेस परफेक्ट किए बट यूनिट नहीं दिया। कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, सेम मिस्टेक कंटिन्यू हो रहा है, तो वही है, बाकी सब नॉर्मल है। हाँ वैदी बोलो। मैम एक्चुअली आई जस्ट जॉइन, आई हैड अनदर क्लास, सो कैन यू जस्ट टेल मी अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं, आप बस नंबर 8 और 9 मैंने आप लोग को होमवर्क में करने बोला था तो वो अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट। अभी तक सेकंड ही हम लोग ने डिस्कस किया, तो आप भी अपना भेज दो। हाँ मैम। I is equal to first installment $200, thereafter installment increased by $15. Amount of loan to be repaid. अच्छा एक और चीज कुणाल, आपने रेफरेंसिंग नहीं दिया था, रेफरेंसिंग देना होगा। ये सब वैल्यूज आप उठा रहे हो ना टेबल बुक से, सारा एनुइटीज का, उसका रेफरेंसिंग मस्ट है। ओके मैम। ओके, जैसे नवनीत ने भी दिया, श्री ने भी दिया था, वैसे ही करके टेबल का पेज नंबर देना होगा। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट $245, $812. ये बीच में एस्ट्रिक्स देना इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन ओमिट द एस्ट्रिक्स आल्सो। ओके, फाइन, इसको टू डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर देना। इंस्टॉलमेंट पेड एट 16th इंस्टॉल 16th यहाँ पे भी आप एस्ट्रिक्स ओमिट कर सकते हो। 425 V इज आल्सो गुड इनफ। बस बाकी इज फाइन, जस्ट ये याद रखना रेफरेंसिंग, रेफरेंस आपने दिया है टू डेसिमल प्लेसेस, मॉनेटरी अमाउंट को टू डेसिमल प्लेसेस, बाकी सब एकदम ठीक है। अमाउंट ऑफ लोन वेरी, आपने भी कोलोन नहीं दिया है। हमेशा जब भी हम लोग एनविटी लिखेंगे तो इट इज सपोज टू बी रिटन एज ए, और फिर हम लोग क्योंकि सबस्क्रिप्ट में नहीं जा रहे तो वी हैव टू शो दैट द पोर्शन इज इन सबस्क्रिप्ट, राइट? तो हमेशा हम लोग सब एनविटीज अश्योरेंस सब में कोलोन देके वी शो कि वी आर गोइंग टू द सबस्क्रिप्ट। फिर अगर हम लोग को अगर एज लिखना है देन एज को वी राइट नॉर्मली, एक और कोलोन देके देन अगर टर्म लिखना है तो उसको फिर हम लोग क्रोकोडाइल साइंस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कोलोन देना मत भूलना आप लोग। ओके मैम, ये सब ठीक है। सेम थिंग टू डेसिमल प्लेसेस, ये तो टेबल है, ये टेबल आपने एक्सेल से कॉपी पेस्ट किया है? नहीं मैम, वर्ड में ही बना दिया था। वर्ड में बनाया लेकिन वर्किंग दिखाना होगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वर्किंग, बिकॉज जस्ट कोई भी एक सेल का वर्किंग यू शो, हर कॉलम का एक एक सेल का, जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाउ आर यू अराइविंग एट दैट वैल्यू। एंड मैम इफ यू डू इट फ्रॉम एक्सेल तो एक्सेल में तो दिखाना नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज वो वहां पे दिया ही होता है, मतलब फॉर्मूला।
फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, लेकिन जब आप एक्सेल से वर्ड में कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका फॉर्मूला नहीं कॉपी पेस्ट होगा, खाली फाइंड जैसे आपका वर्ड में आप खुद से बनाए हो ना, सेम हाँ डिक्टो वे में कॉपी पेस्ट होगा, तो इररिस्पेक्टिव आपको एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा टेबल को। एंड मैम, अगर जैसे थर्ड पार्ट में वी आर कैलकुलेटिंग कोई, मतलब यू से ना कोई भी एक टू सेल का दिखाना पड़ेगा, तो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन में वी आर शोइंग द सेम थिंग, तो भी जरूरी है सेकंड हाँ पार्ट में। हाँ हाँ क्योंकि इन लोग बोलते हैं कि आप टेबल बना रहे हो, आप हो सकता है वर्ड पे डायरेक्टली बनाए हो, बट मैनी मैनी कैंडिडेट्स दे कॉपी पेस्ट फ्रॉम एक्सेल, तो इसीलिए कहीं पे आपको दिखाना होगा कि आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, भले ही आप टेबल के अंदर में ही सेल में एक भी कोई सेल में दिखा दो, मान लो फर्स्ट रो में फॉर ऑल द कॉलम्स, फर्स्ट रो में आप सबका वर्किंग दिखा दो कि हाउ आर यू गेटिंग इट, एंड बाकी का टेबल ऐसी रहने दो, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। नहीं तो आप टेबल के नीचे में बस वन वन लाइन में एक्सप्लेन कर दो कि हर कॉलम का वैल्यू कैसे आप डिराइव कर रहे हो, ठीक है। ओके मैम, एंड क्योंकि लास्ट पार्ट में कर ही रहे ना हम लोग सेम कैलकुलेशन, सो यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड जस्ट चेंज द नंबर्स। हाँ श्रेय बोलो। लेकिन जो टेबल है, टेबल के ऊपर तो मैम हम लोग लिखे ही है कि कैसे कैलकुलेट किए, तो टेबल पे जब डायरेक्ट वैल्यूज एंटर करेंगे तो वापस से क्यों करें? मतलब टेबल के ऊपर तो हम लोग दिखाई है कि कैसे इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई किया गया और कैलकुलेशन जो हुआ एनुइटी का, तो टेबल में तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगा। कहाँ पे दिखाया है कि क्या मल्टीप्लाई किया है? जैसे मैम जो टेबल है, टेबल के ऊपर हम स्ट्रेट लिखा है कि जैसे कैपिटल आउटस्टैंडिंग है ये इंस्टॉलमेंट में इतना है, इंटरेस्ट इतना है, तो कैसे माइनस हम कर रहे हैं सब हम दिखाए, उसके बाद हम टेबल बनाए हैं। हाँ तो आप कहीं पे लिखे हो कि हम लोग इस कॉलम को इससे माइनस करें, जैसे आप देखोगे आई विल जस्ट शो इट एक बार, अगर सपोज आई इंसर्ट अ टेबल, ठीक है, तो अगर ये मेरा टेबल हेडिंग है तो ये कॉलम ए है कॉलम बी है, लेट्स से सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी इज इक्वल टू सी बाय ए, तो या तो आप लोग हर कॉलम को ऐसे नेम करके यू शो द कैलकुलेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लोन शेड्यूल बना रहे हैं तो दिस इज लोन आउटस्टैंडिंग एट टर्म बिगनिंग, उसके बाद कौन सा दे रहे हो आप लोग, ईयर दे रहे हो वो ठीक है, कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट स्टार्ट, फिर उसके बाद रीपेमेंट कितना कर रहे हो, रीपेमेंट का अमाउंट, फिर आप लोग इंटरेस्ट एलिमेंट कैपिटल एलिमेंट ऐसे करके कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, रीपेमेंट में से यू आर सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट एलिमेंट एंड गेटिंग द कैपिटल एलिमेंट, तो लेट्स से इफ आई ब्रैकेट्स में अगर मैंने लिख दिया ए, रीपेबल अमाउंट में लिख दिया बी, रीपेमेंट अमाउंट में इसमें लिख दिया सी, देखो लास्ट आई वाज सेइंग ना सी लिखने से वो कॉपीराइट सिंबल में आ जाएगा, तो यही होता है, तो जैसे आप देखोगे कि ये कॉपीराइट सिंबल में टर्न हो रहा है तुरंत प्रेस कंट्रोल जेड, जैसे ही कंट्रोल जेड प्रेस करोगे वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो अब कैपिटल एलिमेंट बेसिकली क्या है, कैपिटल एलिमेंट इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो आप ऐसे लिख सकते हो, और कैपिटल एलिमेंट को भी एक तो नाम दे दो डी कर दो इसको एंड राइट इट एज बी माइनस सी, ऐसे दिखा सकते हो। इफ यू आर शोइंग दिस एंड इंटरेस्ट एलिमेंट में भी आपको इंटरेस्ट कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो आप समथिंग ऐसा ही होगा ना कि ए इंटू 0.05 समथिंग लाइक दिस ही आप करोगे, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग इट, क्योंकि इससे आपको एक बार में आपका पूरा टेबल का हो जाएगा, ठीक है। श्रेया आप ऐसे ही बोल रहे थे ना समथिंग लाइक दिस, कि अगर हम लोग कॉलम के हेडिंग में ही दिखा दे कि कैसे हो रहा है, Yes, तो ऐसे दिखा दो, ये बेस्ट वे है, गो फॉर इट। किसका चेक कर रहे थे हम लोग, वैदी का, वैदी का हो गया था, मैम थर्ड पार्ट नीचे है, वो पूरा एक बार में हुआ नहीं था। अच्छा। कैपिटल आउटस्टैंडिंग बिफोर फाइनल इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट एलिमेंट कैपिटल एलिमेंट, ठीक है फाइन, ये वाला ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल रिपेड,
अब जैसे कुणाल ने दिखाया, उसने क्या किया, फर्स्ट सेल में कैलकुलेशंस दिखा दिए, फर्स्ट रो में हर कॉलम का कैलकुलेशन दिखाया। ऐसे भी आप लोग दिखा सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा कि सारा बाकी जो है उसमें सेम थिंग किया हुआ है। फाइनल इंस्टॉलमेंट ठीक है, परफेक्ट। कुणाल आपका फर्स्ट पार्ट कहाँ है? मैम वो ऊपर अच्छा, आपने देख लिया। हाँ 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 बता दिया था। ठीक है, और किसी ने नहीं किया नंबर एट? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे भी नंबर एट में और कोई गलती होने का पॉइंट ही नहीं है। तो सब लोग याद रखना, मॉनेटरी अमाउंट्स हमेशा टू डेसिमल प्लेसेस, कोलोन्स का यूज याद रखना, एनविटी इज स्मॉल ए, अश्योरेंस इज कैपिटल ए, और टेबल को कैसे भी जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो, आप लोग को मल्टीपल वेज दिखा दिया, जैसे भी यू ऑल आर कंफर्टेबल यू ऑल शो द एक्सप्लेनेशन। और कोई डाउट है क्वेश्चन एट में किसी को भी? और जिन लोग ने भी कर किया है और भेजा नहीं है या फिर किया ही नहीं है, आप लोग कम से कम सुन लो अच्छे से एंड मार्क की क्या क्या गलती हो रहे, ताकि आप लोग जब जब भी प्रैक्टिस करो तो आप लोग को याद रहे ये सब। ठीक है चलो, 9 रीड करते हो और मेरे को 9 भेजो, चैट बॉक्स में भेज दो। 9, अ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनल अमाउंट $1,000,000 इज टू बी इशूड पेइंग कूपन्स क्वार्टरली इन अरियर्स एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। Security is to be redeemed with a capital payment of $105 per 100 nominal on a coupon date between 20 and 25 years after the date of issue inclusive. The date of redemption is at the option of the borrower. An investor who is liable to income tax at 20% and capital gains tax of 25% wishes to purchase the entire security at the date of issue at a price that ensures she achieves a net effective yield of at least 4.9% per annum. Determine whether the investor would make a capital gain if she holds the security until redemption. चलो देखते हैं। Part 1, सारा parts read कर लेते एक बार। Part 2 is explain how your answer to part 1 influences the assumptions made. ये तो ठीक है, theoretical answer है। Calculate the maximum price that the investor should pay per $100 nominal. Explain without carrying out any further calculations how your answer to part 3 would change if the coupon had been payable half yearly in arrears. ये भी again आप लोग देख सकते हो, अगर offline दे रहे तो हो सकता है आप लोग को वापस से calculation करने बोल सकता था, correct? तो वो बहुत लंबा हो जाता sum, इसलिए they have just said explain and 2 marks के लिए made it a theoretical question. चलो देखते हैं, I4 निकालना होगा पहले, 4 × 1.049। ये कुणाल यहाँ पे ये 1/4 होगा, हाफ नहीं होगा, है ना? हाँ वो मिस्टेक हो गया, तो ये सब ध्यान रखना थोड़ा सा। 4.812% ठीक है, D/R × 1 − T। You haven't specified what is T. क्योंकि यहाँ पे 2 tax rates हैं, एक income tax rate है और एक capital gain tax rate है, correct? तो आपको specify करना है कि आप T किसको ले रहे हो, capital gain वाले को कि income tax वाले को? Okay ma'am. I4 is greater than this. Capital gain, fine. Part 2 तो ठीक है, Part 3, let P equal to price of security. नहीं, ये गलत है, 100% गलत है। आप खुद सोचो, is it making sense? आप सीधा P को $100 लिख दियो और फिर जाके P के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ये equal to नहीं दे सकते आप बीच में, है ना? Let P equal to price of security per $100. Yes, yes, we are assuming it. हाँ, ठीक। तो यहाँ पे ये चेंज करना होगा, इसके बाद P इज इक्वल टू 100 ×
0.06 into 0.8, A4 25 plus 105 minus 0.25, 105 minus 2 to the power 25 at 4.9%. ठीक है, ठीक है, वही सेम चीज, टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, बाकी फाइन, बाकी ठीक है. कैपिटल गेन टेस्ट I4, ओके, ये वैदे आपने दिखाया नहीं कि आप ये क्या चीज का कैलकुलेशन कर रहे हो. आपको फॉर्मूला तो लिखना होगा ना, तो ये जो आप यहाँ नीचे में लिखे हो ना, 1 माइनस टैक्स रेट इनटू कूपन अमाउंट पर एनम, ये पूरा चीज को राइट इट पहले, सो दैट द एग्जामिनर नोस कि वो आप क्या चीज का कैलकुलेशन दिखा रहे हो, बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू यू कांट राइट वैल्यूज ना. आपको दिखाना होगा व्हाई आर यू कैलकुलेटिंग इट. ओके, एंड ये जैसे कुणाल ने सीधा ओनली कैपिटल गेन लिख दिया था, इधर यू डू दैट, नहीं तो अगर आप लोग पूरा ऐसे सेंटेंस में लिख रहे हो सेंटेंस फॉर्म में, तो बस ना कैपिटल गेन को हाईलाइट करना, बाय हाईलाइट आई मीन बोल्ड, याद रखना नो कलर्स ऑन योर आंसर स्क्रिप्ट, तो इसको बोल्ड कर देना ताकि एक ग्लांस में भी एग्जामिनर को अगर आपको 3-on-3 देना, कितना है, 2 है 3 है, हाँ अगर एक ग्लांस में भी 3-on-3 देना है तो वो दे सकते हैं, देख के कि आपका फाइनल आंसर कैपिटल गेन आया. ओके, पार्ट, बाकी पार्ट्स का है वैदि? मैम वो बाकी है, वो करना होगा. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. ईशा आपने भी खाली फर्स्ट पार्ट किया? ये तो ठीक है, और किसी ने नहीं किया सेकंड थर्ड पार्ट? मेंबर्स कर ही रहे, ठीक है, 5 मिनट्स लो, 5 मिनट्स नहीं लगेगा पूरा, 3-4 मिनट्स लो, 3-4 मिनट्स लो और भेजो, एंड तब तक जिसका जिसका हो गया उन लोग एक बार 10 पढ़ो एंड स्टार्ट करो 10 को करना. आप लोग का हो गया रिजर्विंग एंड ऑल, प्रीमियम रिजर्विंग टॉपिक कवर हो गया पूरा प्रॉफिट टेस्टिंग का, क्योंकि यूजुअली ये थोड़ा एंड की तरफ करते हैं. आता है आप लोगों को प्रॉफिट टेस्टिंग करना? हाँ कुणाल, मीन सर ने हमको वीडियो देखने का बोला था, अब तक सर ने सम्स नहीं कराया इसकी. सम्स नहीं कराया? अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग एक बार क्वेश्चन 10 को होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि डोंट वांट यू ऑल टू डू इट विदाउट नोइंग कि क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वो सम, क्योंकि प्रॉफिट टेस्टिंग इज वन सम जो अगर आ गया तो ऑब्वियसली स्कोरिंग तो होता ही है बहुत, बट उसमें टाइपिंग का स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बहुत सारा चीज को एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक्सेट्रा, तो वो हम लोग सर करा देंगे, उसके बाद ही करेंगे वो वाला क्वेश्चन. आप लोग अभी एक बार बाकी सब लोग जो भी नहीं किए हो 9, उन लोग 9 करके भेजो पार्ट 3, फिर हम लोग देखते हैं, हम लोग दूसरा पेपर का थोड़ा सम्स करेंगे.
ये बीच में जेड कहाँ से आ गया? मेरे को भी नहीं पता, पहले तो नहीं आया था, अभी कॉपी पेस्ट करने में हो गया। ठीक है, ऐसे से पहले नहीं, आंसर स्किप में नहीं है तब तक ठीक है। 4.22। ये पी कैपिटल होना होगा, अगर आप पी ले रहे हो वेरिएबल को कैपिटल पी, देन सब जगह मेक श्योर कि कैपिटल पी यूज कर रहे हो, ठीक है? बी केयरफुल। वाई इज दिस इक्वल टू ओवर हियर A425 के पहले? वो मैं एक्चुअली इम्प्लाइड साइन कर रहा था, तो जल्दी जल्दी में वो इक्वल होगा। इसलिए इम्प्लाइड का, और अगर इम्प्लाइड करो तो फिर और भी लिख रहे हो, दोनों मत यूज करो, यूज ईदर वन, या ओके तो और यूज करो या इम्प्लाइड यूज करो, ठीक है? अब मेरे को सच्ची में गुस्सा आएगा, लास्ट क्लास भी इतनी बार आई टोल्ड यू ऑल कि जब भी आप लोग मॉनेटरी अमाउंट लिखोगे तो आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना, आज वापस मैम, से इतनी बार बोला। आंसर स्क्रिप्ट में वो कई सारा डिजिट्स था, हम तो बस 2 के जगह 3 डिजिट किया। वो एक्चुअली जहाँ से कॉपी कर रहा हूँ उसमें तो 5-6 तक लिख गया था। नहीं, लेकिन आप लोग यही प्रैक्टिस में रखो कि कभी भी इन लोग, क्योंकि इसलिए कर रहे बिकॉज यहाँ पे मिलियंस का है ना, सम सम वाज मिलियंस का, इसीलिए राइट। बट अगर आप लोग फाइनल लिख रहे हो तो आप लोग 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही स्टिक करो, ठीक है? बिकॉज लॉजिक ऑल्सो आई एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू कि क्यों, क्या लॉजिक है इस चीज का। कभी भी आप देखते हो कोई भी चीज का प्राइस में 35.399999 लिखा हुआ? नहीं, हमेशा 35.39 ही होता है, तो वैसे ही 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखेंगे। लेट मी बी हंड फॉर सॉरी। ठीक है, फाइन। तो आज हम लोग फिर एक और पेपर स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सितंबर 2020 कर लिए, आप लोग को मैंने अप्रैल 2021 का पेपर दिखाया था, तो हम लोग सितंबर 2021 का पेपर करते हैं, ठीक है? सितंबर 2021 का नहीं किया, वो करते हैं। सब डाउनलोड कर लो, लिंक आई विल सेंड इट टू यू ऑल। ये लिंक से डाउनलोड कर लो, जिप करो। अभी भी कोई है जिसके पास अनजिप करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर हो नहीं रहा है उससे? एनी वन फेसिंग इश्यूज विद दिस पर्टिकुलर थिंग? मैम सितंबर 21 करना है ना? सितंबर 21।
मैम के लिए सेंड करना क्या सेंड करना है? है मैम, कैन यू सेंड द लिंक अगेन? मैं ये विनरार जो भी है ये तो नहीं है मेरे पास। तो आप कैसे अनजिप किए थे सितंबर 2020 वाला? 2020 वाला ग्रुप में आ गया था तो अपने आप वो खुल गया, इट केम लाइक अ पीडीएफ। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आई विल शो इट टू यू ऑल। विंडोज है ना? विंडोज लैपटॉप है ना आपका? यस मैम। हाँ तो ये वाला जो साइट है इसी में से आपको डाउनलोड करना होगा। हाँ इसमें आपको डाउनलोड ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको सारा मिल जाएगा ऑप्शंस। ठीक है, 64-bit वाला करना इंग्लिश फॉर विंडोज, उसको आप डाउनलोड करना एंड देन आई थिंक इसी वेबसाइट पे, नहीं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है एंड इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। नॉर्मली कोई भी, जैसे अगर आप आर स्टूडियो भी अगर कोई यहाँ पे डाउनलोड किया है तो सेम वे डाउनलोड्स में जब आपका आ जाएगा फाइल, डाउनलोड्स में जब आ जाएगा तो उस पर यू हैव टू क्लिक। उसमें आई थिंक आपको कुछ कुछ पॉपअप्स आते रहेंगे, जस्ट गो ऑन एक्सेप्टिंग और येस करते रहना। वो करते करते इंस्टॉलेशन पे आएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, फिनिश दबाना एंड देन उसके बाद आप कोई भी zipped फाइल पे, सबसे पहले तो सारा जो zipped फाइल होगा ना सबके पास ऐसा आइकन आएगा जो विनरार का होता है आइकन, ऑल द zipped फाइल्स विल कम एज दिस आइकन। आप उस पर राइट क्लिक करना एंड एक्सट्रैक्ट टू जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है उसमें क्लिक करना। ओके ओके मैम, अभी एक बार डाउनलोड करने लगा दो हो जाएगा, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes। टिल देन बाकी लोग का हो गया सितंबर 21 का पेपर डाउनलोड? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 10-year यूनिट लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट सिग्नेचर बिफोर एनी नॉन यूनिट रिजर्व्स आर क्रिएटेड। Non-unit reserves are set up to zeroize the negative cash flows. Determine the revised profit signature, ignoring interest and mortality. तो इसमें आपको पता है आप लोग को कि आप लोग को टू दिखाना होगा, एक दिखाना होगा क्या क्या रिजर्व्स बनेगा और रिजर्व बनने के बाद क्या क्या कैश फ्लोज होगा, दोनों दिखाना होगा एंड मार्क्स भी दोनों के लिए होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे हैव शोन कि हर उसमें कितना आएगा, तो यू कैन इमेजिन कि कितना टाइपिंग इन्वॉल्व होगा इसमें एंड दैट टू जस्ट फॉर 3 marks। तो दिस दे हैव डन प्राइमरीली बिकॉज द एग्जामिनर्स रिपोर्ट, तो दे वांट द कैंडिडेट्स टू नो कि कैसे हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हो, ये दो टेबल तो फॉर श्योर बनाना पड़ेगा, नो ऑप्शन ओवर हियर। आप लोग इस टेबल के नीचे, रिजर्व वाले टेबल के नीचे खाली जहां जहां पे रिजर्व बन रहे वो खाली दिखाओ, विच इज बेसिकली टाइम 1, 4, 5, 6 एंड 7। इन 5 का आप लोग 1-1 लाइन में लिख दो कि कैसे रिजर्व बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट टाइम पीरियड का नेगेटिव है और इसके पहले वाले का 0, ऐसे करके आप दिखाओ। बाकी के लिए जिसका जिसका 0 है उनके लिए यू जस्ट राइट एक बार में कि नो रिजर्व इज रिक्वायर्ड
for these time periods because already cash flow is positive for the next time period. Yeah, already reserve is existing. जैसे भी करके जितना भी zeros है सबके लिए एक line में working दिखाओ and जितना भी non zeros है उनके लिए you show separately कि क्यों one आ रहा है या two आ रहा है. But ये two tables तो for sure दिखाना होगा. Okay. Number टू मेरे को चाहिए कि आप लोग क्या टाइप करके भेजो अभी क्योंकि ये बहुत कॉमन. हाँ बोलो श्री. मैम इस रिपोर्ट में हम देखा कि इस पेपर का जो पास मार्क है वो 53 है, मतलब कि मैम सिर्फ पेपर ए का ही पास मार्क 53 हुआ. पास मार्क 53 नहीं, पेपर ए के लिए नहीं, ओवरऑल पेपर ए पेपर बी मिला के 53 है. क्योंकि मैम पेपर ए में ऊपर में देखा लिखा हुआ था पास मार्क. हाँ एग्जामिनर्स रिपोर्ट वैसे ही आते हैं तो यूजुअली वो पास मार्क जो रहते हैं इट इज फॉर बोथ पेपर्स मिला के क्योंकि आपका एग्जाम रिजल्ट लेटर पे इट कम्स एज वन एग्जाम CM1 और उसमें मार्क्स लिखा आते हैं. मैम मतलब हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग को सेपरेट पेपर्स में कितना मिला, पेपर ए में अलग कितना मिला? पता चलेगा बट थोड़ा बाद में, नॉट ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट्स, अराउंड वन मंथ के करीब लग जाता है. यू हैव टू मेल द इंस्टीट्यूट, एक टू मेल भेजना होता है. जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तब आप लोग को बोल दिया जाएगा हम लोग की तरफ से कि एक मेल भेजना होता है इंस्टीट्यूट को एंड देन दे प्रोसेस इट और आपको पूरा फुल डिटेल मिलता है. लाइक क्वेश्चन वाइज यू गेट टू एग्जामिनर्स मार्क करते हैं तो दोनों एग्जामिनर आपको हर क्वेश्चन के हर पार्ट में कितना मार्क्स दिए हैं एवरीथिंग पूरा प्रॉपर टेबल फॉर्म में यू गेट. हाँ कुणाल बोलो. मैम म्यू को कैसे टाइप करेंगे अपन? म्यू को MU करो, MU कर सकते हो, नहीं तो one is MU सीधा, other is insert tab में आप म्यू का सिंबल दे सकते हो, ये रहा म्यू का सिंबल है. अगर इक्वेशन एडिटर साथ कंफर्टेबल हो कि मतलब अगर अपना हाथ आप ऐसे ही बैठा लो कि जैसे आपको दिख रहा है कोई ग्रीक सिंबल आ रहा है तुरंत यू प्रेस ऑल्ट इक्वल टू एंड MU करो अगर backslash के साथ तो म्यू का सिंबल आ जाएगा. बट ये जो इक्वेशन एडिटर वाला चीज है ये II वालों को आई विल सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस में लाओ ही मत क्योंकि ऑल्ट की बहुत बार काम नहीं करते तो आपको ये करने के लिए ऊपर रिबन से करना होगा. सो दैट डजंट मेक सेंस. कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल टू करना इज फाइन क्योंकि वो आपका हाथ में बैठ जाते हैं बट कर्सर पे आके फिर जाना इज वेरी सेंसलेस. इससे बेटर आप MU लिख लो. ठीक है जो प्रोबेबिलिटीज होते हैं उनकी तरह ट्रीट करो म्यू को भी. जो कोलोन्स है दोज आर ओनली फॉर द अश्योरेंसेस एंड एनविटीज क्योंकि उसमें नीचे में रहते हैं ना कोलोन्स तो वो सिर्फ उसके लिए है. अगर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है म्यू 55 60 तो आप कैसे लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो सॉरी 56 हो गया म्यू 55 60 एक बार चेक कर लेते हैं. मैम रो को कैसे लिखेंगे? RHO देखो जैसे PXY भी इन लोग ने ऐसे ही लिखा है P और फिर एक्स वाई. आई वुड सजेस्ट कि म्यू के साथ अंडरस्कोर दे देना क्योंकि बेटर लगता है प्रेजेंटेशन में. म्यू 55 60 रो को आप लिख सकते हो RHO नहीं तो इंसर्ट टैब में रो भी मिल जाएगा आपको मोर सिंबल्स में. ग्रीक एंड कॉप्टिक इसमें रो है ये रहा. रो इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है करो सेकंड क्वेश्चन तीनों पार्ट्स.
मैम तीसरा पार्ट में वो क्यू वाला कैसे लिखना है? क्यू को ना, उसमें वो जो डैश है उसमें कैसे करेंगे? तो आप या तो 60 और फिर ऊपर में एक ठो डैश दे सकते हो, मतलब 60 अपोस्ट्रोफी और फिर कोलोन देके 60, दैट इज वन वे ऑफ राइटिंग इट, बिकॉज इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने कुछ बोला नहीं है, ठीक है? तो दिस इज द ओनली थिंग जो आ सकता है, मतलब द ओनली लॉजिकल थिंग टू डू इज कि आप फर्स्ट 60 के बाद एक अपोस्ट्रोफी दे दो टू शो कि वो फर्स्ट डाई होना चाहिए, वही मतलब है ना इसका, तो ठीक है। हो गया सबका, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ये सब करने में। जिसका जिसका हो गया उन लोग भेजो, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। चलो देखते हैं, फर्स्ट वाला μ 55 60, ठीक है। π 55 60 L 65, एक सेकेंड,
है, एकदम ठीक है दिव्यांश, बट रेफरेंसिंग नहीं दिया. एंड ये तो एक क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोग को रेफरेंसिंग देना ही चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लिटरली यूजिंग नथिंग एल्स, बस वन वन लाइन का फॉर्मूला है एंड रेफरेंसिंग है, राइट? तो इसीलिए, और एक ही टेबल, आई थिंक एक ही टेबल यूज हो रहा है ना. हाँ, तो सब सारे PFA 92C20 है, तो एक बार में स्टार्टिंग में रेफरेंसिंग दे दो कि आप ये वाला टेबल यूज कर रहे हो, एंड पेज नंबर का रेंज दे दो कि कौन से पेज. आई थिंक PFA तो शायद वन पेज ही होगा, तो पेज नंबर दे दो स्टार्टिंग ऑफ द सम में एकदम. इतना सारा डॉट्स मत दिया करो, ये ऊपर में भी मैंने देखा था, इतना सारा डॉट्स आप टाइप करो ना, नॉट रिक्वायर्ड. खाली ब्रैकेट देके खत्म कर दो, एंड यूजिंग वर्ड भी नहीं लिखना है, खाली टेबल पेज 113 काफी है. P55. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अवे, इट्स परफेक्टली फाइन अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो, नहीं तो जैसे मैंने बोला था कि आप फर्स्ट 60 के बाद एक डैश भी दे सकते हो, ओके? या एक डैश दे सकते हो, या ब्रैकेट में वन लिख सकते हो, कैसे भी उस वन को आप दिखा सकते हो. नहीं तो आप चाहो तो, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट इन दिस वे, दिस इज ऑल्सो फाइन. Q60 60. ठीक है, वेरी गुड. हाँ कुणाल बोलो. मैम आप वो नीचे वाला देख लो, ऊपर क्या है कि वो कॉपी सही से हुआ नहीं, तो मैंने वापस भेजा एक बार। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं. ये कोमल, ये वाला स्टेप में आप बार बार की दोनों वैल्यूज लिखने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि टाइम जाता है इतना सारा टाइप करने में, एंड प्लस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो ना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट जा रहा है आपका. सीधा ये 9848 वाला वैल्यू को हटा के यू कैन जस्ट राइट द टू वैल्यूज विच मैटर, ओके? ये अपोस्ट्रोफी और वन दोनों मत लिखो इधर, या तो अपोस्ट्रोफी दो क्योंकि उस वन को ही डिनोट कर रहा है वो, नहीं तो ब्रैकेट में वन लिख दो. Q60 60. ठीक है, श्रेय डबल अपोस्ट्रोफी मत दो, मतलब कोटेशन मार्क मत दो, सिंगल अपोस्ट्रोफी. ओके मैम। वैद्य ही ये, अच्छा नहीं ये वाला ठीक है. आपका सी का है, 5C.
हाँ मैम वो सेंड नहीं हो रहा है, भेज रहे मैम एक सेकेंड। तक बाकी लोग नंबर 4 ट्राई करो, 8-10 हम लोग नंबर 4 तक करेंगे, सब लोग नंबर 4 ट्राई करो। एक्चुअली नंबर 4 में ज़्यादा कुछ है नहीं ऑनेस्टली, रहने दो नंबर 4, रहने दो नंबर 5 करो। नंबर 5 में थोड़ा थोड़ा चीज़ नया है, नंबर 5 ट्राई करो सब लोग। मैम नंबर 5 में सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, एक भी लेटर नहीं पता क्या है उसमें। आप लोग ने टॉपिक तो किया ही है ना ये वाला, चैप्टर तो कर ही नंबर लिया है। एक क्या चीज? एन इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू पे इट्स फर्स्ट डिविडेंड इन एग्जैक्टली 2 years टाइम। इट इज एज्यूम दैट दिस डिविडेंड विल बी $0.2 पर शेयर। सबसीक्वेंट एनुअल डिविडेंड्स आर एज्यूम टू ग्रो एट ओके 6% पर एनम। ठीक है, ट्राई करो। अगर समझ में भी नहीं आ रहे तो कम से कम एग्जामिनर रिपोर्ट देख के ट्राई टू टाइप इट एटलीस्ट एक बार। अगर आप लोग टाइप भी कर लोगे ना आंसर तो भी आप लोग को काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि सम भी क्या हो रहा है। ठीक है करो, हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देख के लग रहा है कि है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा टाइपिंग है, बट हो जाएगा।
चलो देखते हैं और किसी का नहीं हो क्या। ठीक है, तो दिव्यांश ने एक भी एनोटिव यूज किए पूरा सम किया है, ठीक है, लेकिन एक लाइन, बस एक लाइन एटलीस्ट एनविटी का टाइप करो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि फुल यू डू नॉट वांट टू शो ऑन एमएस वर्ड, बट एटलीस्ट वन लाइन इज ऑलवेज देयर फॉर द फॉर्मूला, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली किस एनविटी को यूज करो। जैसे यहाँ पे आप ये वैल्यूज डाल रहे हो ना, 0.990654 एंड ऑल, तो ये सब वैल्यूज कहाँ से आ रहा है आपको ये दिखाने के लिए एक लाइन दिख रहेगा, जस्ट देन यू राइट, ओके ठीक है। बाकी ठीक है एकदम। बाकी और किसी का नहीं हुआ? भेजो जल्दी जल्दी। वेरी गुड। दिशा, आपने क्वेश्चन एडिटर यूज किया है ना? ठीक यस मैम। है, मैम IFOA में क्वेश्चन एडिटर यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? IFOA में क्वेश्चन एडिटर में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपका डिवाइस पे डिपेंड करता है, मतलब अगर आपका डिवाइस हैंग एंड ऑल नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन IAI में, क्योंकि मैंने बोला था, जैसे मैंने बोला था कि वो सॉफ्टवेयर पे आपको एग्जाम देना होता है, एक पोर्टल होता है, तो वो पोर्टल पे ऑल्ट कंट्रोल एफ यूजुअली ये सब काम नहीं करते, तो उसके लिए IAI में भी सी की अवॉइड करो थोड़ा। तो मैम अगर अभी जैसे प्रैक्टिस करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है डिवाइस, तो एग्जाम में भी हाँ फिट हाँ नहीं हाँ है? आराम से आराम से। A2, 10, 6, यहाँ पे आपने दोनों जगह आई लिया है ना, फर्स्ट वाला J% पे, सेकंड वाला I% पे, आपने दोनों जगह आई लिख दिया है, तो
प्लीज बी वेरी केयरफुल इसको लेके, ठीक है? समझ में आया कहाँ पे हुआ गड़बड़? यस मैम। तो ये ध्यान रखना। इसमें ड्यू का साइन नहीं दिया है, ए ड्यू इन्फिनिटी है ना, ड्यू वाला साइन मिस हो गया आपका। ठीक है, बाकी एडीयू के बाद कोलोन आएगा, दोनों में हमेशा इसके पहले आपको कोलोन लिखना होगा, ठीक है? ठीक है, बाकी श्री डी के साथ ओ मत यूज करो, जीरो यूज करो। इट्स डी जीरो ना, तो डी जीरो टाइप करो, डी ओ मत करो। यहाँ पे ए ड्यू है, ए डी यू के लिए या तो ऊपर में डॉट दो अगर इक्वेशन एडिटर यूज कर रहे हो, नहीं तो ए डी यू ई जैसे अभी ऊपर में इसने लिखा था, ऐसे ए डी यू करना होगा, फिर कोलोन देख के एन लिखना होगा, मतलब यहाँ पे 10 इन्फिनिटी जो भी। वरना फिर ये एनविटी इन एडवांस नहीं हुआ ना, इन अरियर ही माना जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट? यहाँ पे दोनों जगह ग्रेटर देन वाला साइन में प्रॉब्लम है, ग्रेटर देन साइन की जगह एक बार फुल स्टॉप हो गया और एक बार क्वेश्चन मार्क हो गया, तो ध्यान रखना टाइप करते टाइम, ठीक है? ये आई बी इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों लिखा हुआ है? कौन है ये? मैम आई थिंक कॉपी पेस्ट में कुछ हो चुका होगा अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बाकी कोमल थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा हम लोग को, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस मत लिखो। जैसे अभी आप लोग आपने देखा ना, बाकी कंडेंस्ड लग रहा था, क्यों? क्योंकि दे मेड यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ये पॉइंट टू वी स्क्वायर जो है
ये पूरा कॉमन निकला हुआ है. आप जैसे नेक्स्ट लाइन में बेसिकली जो किया, ये फर्स्ट लाइन दिखाने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को. ठीक है, आई नो आप ये इसलिए दिखाए हो ताकि आपको लगे कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन अननेसेसरी इतना टाइप करने का जरूरत ही नहीं है. डायरेक्टली सेकेंड लाइन से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. इसके बीच का वर्किंग नहीं दिखाया, दिखाना होगा सारा वो एनविटीज. जैसे मैंने पहले बोला था, सारा एनविटीज दिखाना होगा, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे एनविटीज के वैल्यू को भी दिखाना होगा सब्स्टिट्यूट होते हुए, और एनविटी कौन कौन से यूज कर रहे हो ये भी दिखाना होगा. ईशा कोलोन नहीं दिया है एडीयू के बाद, हमेशा एडीयू के बाद कोलोन आएगा. बाकी ठीक है, ठीक है, चलो. और कुछ, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है? एनीथिंग? तो फिर आज हम लोग यहीं एंड करते हैं. आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई आउट द रेस्ट ऑफ द पेपर. अभी हम लोग थोड़ा दिन क्लास नहीं रखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट वीक शायद रखेंगे क्लास. तो आप लोग के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तब तक होपफुली सर शायद प्रॉफिट टेस्टिंग का सम्स भी स्टार्ट करा देंगे. तो नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास रखेंगे, वी विल डू प्रॉफिट टेस्टिंग का सम्स, एंड इस पेपर में जो भी डाउट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होगा वो सब हम लोग देख लेंगे. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू.